वास्तव में तिब्बत की घाटियों में बसने वाली जाति थी जिसका मूल स्थान वोल्गा के पूर्व में था। वे 370 ई में यूरोप में पहुंचे और वहां विशाल मूल साम्राज्य खड़ा किया। चीनी लोग इन्हें क्यूनयू अथवा हुनयू कहते थे और भारतीय इन्हें खुना कहते थे। कालांतर में इसकी दो शाखाएं बन गई जिसमें से एक वोल्गा नदी के पास बस गई तथा दूसरी शाखा ने फारस ईरान पर आक्रमण किया और वहां के सासानी वंश के शासक फिरोज को मारकर राज्य स्थापित कर लिया। हूनों का इतना भारी दल चलता था कि उस समय के बड़े बड़े सभ्य साम्राज्य उनका अवरोध नहीं कर सकते थे। चीन की ओर से हटाए गए हून लोग तुर्किस्तान पर अधिकार करके सन 400 ई से पहले वंशु आवसस नदी के किनारे आ बसे। यहाँ से उनकी एक शाखा ने तो यूरोप के रोम साम्राज्य की जड़ हिलाए और शेष फारस साम्राज्य में घुसकर लूटपाट करने लगे। फारस वाले इन्हें हैताल कहते थे। कालिदास के समय में हून वंशु के ही किनारे तक आए थे, भारतवर्ष के भीतर नहीं घुसे थे, क्योंकि रघु के दिग्विजय के वर्णन में कालिदास ने हूनों का उल्लेख वहीं पर किया है। कुछ आधुनिक प्रतियों में वंशु के स्थान पर सिंधु पाठ कर दिया गया है, पर वह ठीक नहीं। प्राचीन मिली हुई रघुवंश की प्रतियों में वंशु ही पाठ पाया जाता है। वंशु नद के किनारे से जब हूं लोग फारस में बहुत उपद्रव करने लगे, तब फारस के प्रसिद्ध बादशाह बहराम गोर ने सन 425 ई में उन्हें पूर्ण रूप से परास्त करके वंशु नद के उस पार भगा दिया। पर बहराम गोर के पौत्र फिरोज के समय में हूनों का प्रभाव फारस में बढ़ा। वे धीरे धीरे फारसी सभ्यता ग्रहण कर चुके थे और अपने नाम आदि फारसी ध्यान के रखने लगे थे। फिरोज को हराने वाले हून बादशाह का नाम खुशनिवाज था। जब फारस में हून साम्राज्य स्थापित न हो सका, तब उन्होंने भारतवर्ष की ओर रुख किया। पहले उन्होंने सीमांत प्रदेश कपिश और गांधार पर अधिकार किया, फिर मध्य देश की ओर चढ़ाई पर चढ़ाई करने लगे। गुप्त सम्राट कुमार गुप्त इन्हीं चढ़ाइयों में मारा गया। इन चढ़ाइयों से तत्कालीन गुप्त साम्राज्य निर्बल पड़ने लगा। कुमार गुप्त के पुत्र महाराज स्कंदगुप्त बड़ी योग्यता और वीरता से जीवन भर हूनों से लड़ते रहे। सन 457 ई तक अंतर्वेद मगध आदि पर स्कंदगुप्त का अधिकार बराबर पाया जाता है। सन 465 के उपरांत हून प्रबल पड़ने लगे और अंत में स्कंदगुप्त हूनों के साथ युद्ध करने में मारे गए। सन 499 ई में हूनों के प्रतापी राजा तुर्मान शाह संस्कृत तुर्मान ने गुप्त साम्राज्य के पश्चिमी भाग पर पूर्ण अधिकार कर लिया। इस प्रकार गांधार, काश्मीर, पंजाब, राजपूताना, मालवा और काठियावाड़ उसके शासन में आए। तुर्मान शाह या तुर्मान का पुत्र मिहिरगुल संस्कृत मिहिरगुल बड़ा ही अत्याचारी और निर्दय हुआ। पहले वह बौद्ध था, पर पीछे कट्टर शैव हुआ। गुप्त वंशीय नरसिंह गुप्त और माल के राजा यशोधर्मन से उसने सन 532 ई में गहरी हार खाए और अपना इधर का सारा राज्य छोड़कर वह काश्मीर भाग गया। हूनों में ये ही दो सम्राट उल्लेख योग्य हुए। कहने की आवश्यकता नहीं कि हून लोग कुछ और प्राचीन जातियों के समान धीरे धीरे भारतीय सभ्यता में मिल गए। यूरोप पर आक्रमण करने वाले हूनों का नेता अटिला अटल था। भारत पर आक्रमण करने वाले हूनों को श्वेत हून तथा यूरोप पर आक्रमण करने वाले हूनों को अश्वेत हून कहा गया। भारत पर आक्रमण करने वाले हूनों के नेता क्रमशः तुर्मान व मिहिरगुल थे। तुर्मान ने स्कंदगुप्त को शासन काल में भारत पर आक्रमण किया था। इतिहासकारों की माने तो हून उत्पत्ति पर किसी के पास कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि हूनों का उदय मध्य एशिया से हुआ, जहां से उनकी दो शाखा बनी। एक ने यूरोप पर आक्रमण किया तथा दूसरी ने ईरान से होते हुए भारत पर। महाभारत के आदि पर्व 174 अध्याय के अनुसार जब ऋषि वशिष्ठ की नंदिनी कामधेनु गाय का राजा विश्वामित्र ने अपहरण करने का प्रयास किया, तब कामधेनु गाय ने क्रोध में आकर अनेकों योद्धाओं को अपने शरीर से जन्म लिया। उसने अपनी पूंछ से बांबार अंगार की भारी वर्षा करते हुए पूंछ से ही पहलवों की सृष्टि की, थनों से द्रविड़ों और शकों को उत्पन्न किया, योनिदेश से यवनों और गोबर से बहुतेरे शबरों को जन्म दिया। कितने ही शबर उसके मूत्र से प्रकट हुए। उसके पार्श्व भाग से पौंड किरात यवन सिंगल बर्बर और खसों की सृष्टि की। इसी प्रकार उस गौ ने फेन से चिबुक पुलिन चीन हूं केरल आदि बहुत प्रकार के मलेच्छों की सृष्टि की।